अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सर जैन हसन अपने लेक्चर नंबर 3 में नेक अपडेट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। यू नो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स तकरीबन हर सेंटेंस में, हर ऐसे में, हर एप्लीकेशन में, हर लेटर में यूज करना पड़ते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने व्यूअर्स को बताता हूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल्स? तो डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, आर्टिकल्स क्या है? इन इंग्लिश लैंग्वेज ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी देयर आर 3 आर्टिकल्स in English language, a, an, and the are called articles. Article 3 है। अब dear students, articles we are divided article into main categories. Number 1, indefinite articles. Number 2, definite articles. अब आपको बताते चलें कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूडेड है, ये शामिल है। तो ए एंड आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन दैट बिगिन विद कंसोनेंट साउंड। अब आप सुन लीजिए अगेन, ए इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन दैट बिगिन विद कंसोनेंट साउंड्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ गर्ल, दैट इज अ बॉय। ये देखें, आपने पढ़ा, ये सेंटेंस सुना आपने, दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है, दैट इज अ वैन, वो एक वैन है, ये गाड़ी है। अब एक का इस्तेमाल आ गर्ल यानी क्वांटिटी के लिए हुआ, आ वैन इसमें भी क्वांटिटी के लिए हुआ, तो ए का मतलब है एक, ए का मतलब है एक। और इसका यूज मैंने आपको बता दिया कि ए इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउंस दैट बिगिन विद कंसोनेंट साउंड। डियर व्यूअर्स, कंसोनेंट साउंड जो है, कंसोनेंट किसे कहते हैं? यू नो अबाउट इट, I hope you will understand it. There are 26 alphabets. There are 26 alphabets and 5 are vowels. Meaning, for example, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are vowels and remaining alphabet are called consonant. Meaning, English ke alphabets mein A, E, I, O, U ke ilawa, A, E, I, O, U के अलावा बाकी तमाम A, B, C के अल्फाबेट्स जो है वो कंसोनेंट कहलाते हैं। अब एग्जांपल के बाद हम चलते हैं एंड तक, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा एन है। तो एन इज यूज्ड बिफोर कॉमन वर्ड्स। एन इज यूज्ड बिफोर कॉमन वर्ड्स, before common nouns that begin with vowel sound. Listen again, an is used before common nouns that begin with vowel sounds. You know students, vowel kya hote hain? Agar nahi pata to main aapko dobara bata deta hu. Vowel sounds a, e, i, o, u are 5 vowel alphabets. तो इनसे पहले अगर कोई भी नाउन जो है ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम ए का इस्तेमाल या आ का इस्तेमाल नहीं बल्कि एन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल आपको बताते हैं व्यूअर्स। आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, मैं एक अम्ब्रेला या छतरी रखता हूं, मेरे पास एक छतरी है। You purchased an egg. तुमने एक अंडा खरीदा। तो ये यहाँ पर an umbrella,
एन जो है ये क्या है, ये आर्टिकल है और इधर एन एक में भी एन आर्टिकल है। ये हमारे थे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स इनडेफिनिट आर्टिकल्स थे। अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स की सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं और क्या हैं। तो दी, डी एच ई दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इट इज यूज्ड इन मेनी वेज, ये मुख्तलिफ तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है। नंबर वन विद अ नाउन, किसी भी नाउन के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी फॉर्म क्या होगी नाउन की मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, यानी ये वो लड़का है जिसने मेरी मदद की। तो दी बॉय इसमें जो है वो दी जो यूज हुआ बॉय से पहले वो आर्टिकल है। This is the pen. This is the pen which I gifted him. ये वो pen है, ये pen है which I gifted him, जिसको मैंने gift किया। This is the pen. ये वो pen है which I gifted him, जो मैंने उसे तोहफा दिया। इसमें भी the pen, जो pen से पहले the का इस्तेमाल हो रहा है वो the क्या है article है। अब दूसरे नंबर का विद नेम्स ऑफ रिवर्स सीज हॉलीबुक्स न्यूज़पेपर्स एंड स्पेसिफिक थिंग्स। डियर व्यूअर्स, दी का इस्तेमाल रिवर्स के साथ भी आप करते हैं, समुद्रों के साथ भी करते हैं, किताबों के साथ भी करते हैं, हॉलीबुक्स के साथ भी, न्यूज़पेपर के साथ भी, और यानी स्पेसिफिक थिंग्स मखसूस चीजों के साथ भी। For example, the Ravi, यानी दरियाए रावी है जिससे पहले दी का इस्तेमाल करेंगे, the Holy Quran, पुराने मजीद जो कि हमारे गुरु साहब की किताब है, उससे पहले हम दी का इस्तेमाल करते हैं। The Daily Jump न्यूज़पेपर का नाम है, उससे पहले दी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह है next with the third degree or form of adjectives, यानी adjectives की third degree third form के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। For example, मिसाल के तौर पर the most intelligent girl इन बहुत सही लड़की, the fastest animal यानी तेज तरीन जानवर। तो ये था जी हमारा आज का आर्टिकल का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और dear viewers, ये तमाम आर्टिकल जो हैं ये जरूर इस चीज को हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल्स हमें अपनी क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ज्यादा हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करते हैं। आई होप आपको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आर्टिकल क्या है। मैं बस एमए हमेशा की तरह यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए, ताकि आप इसको इससे आपको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।